Hey friends, hello friends, welcome, how are you? I'm your friend Dr. Alian Varkureshi and I once again welcome you in my YouTube channel Health Consultant. Friend, we're gonna discuss today a very important two injections. One is injection Serenace and one is injection Phenargan. These two injections will be discussed in today's topic. Friend, मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर अली अनवर कुरैशी. अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब लोग मेरे दोस्तों. आज की इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई वांट टू स्टार्ट विद दिस इंजेक्शन. अगर आप ये देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसमें लिखा होगा फिनार्गन इंजेक्शन. फिनार्गन इंजेक्शन, ये जो इंजेक्शन है फ्रेंड्स, इसमें जो कंटेंट है, ये कंटेंट है प्रोमिथाजिन. और ये इंजेक्शन फ्रेंड्स होता है 2 ml का, एक एम्पुल होता है फ्रेंड्स. और इस इंजेक्शन में फ्रेंड्स, मैं आपको ऐसा बताऊंगा, इस इंजेक्शन में जो है ईच ml ऑफ दिस इंजेक्शन कंटेंस 25 mg ऑफ प्रोमिथाजिन. इस इंजेक्शन का ग्रुप क्या है फ्रेंड्स, ये एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन है फ्रेंड्स. आपको कभी भी कोई टाइप का रिएक्शन आए, कभी भी कोई टाइप का एनाफिलेटिक रिएक्शन या कोई भी एलर्जी आपको हुई है, तब आप ये इंजेक्शन को यूज़ कर सकते हैं. बट एज ऑफ कोर्स ये इंजेक्शन का और एक बहुत अच्छा रोल है, और इसके 2-3 रोल हैं, मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड. इस इंजेक्शन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है, इस इंजेक्शन को लेने के बाद सेडेशन आता है, गूंगी आती है, नशा आता है पेशेंट को. पेशेंट जो है इस इंजेक्शन को लेने के बाद रिलैक्स फील करता है और सो जाता है फ्रेंड्स. इसलिए इस इंजेक्शन का एक बहुत ही अच्छा रोल है फ्रेंड्स. सेकेंड रोल, थर्ड रोल इस इंजेक्शन का ये है फ्रेंड, कि ये इंजेक्शन जो है ओमेटिंग, एंटी ओमेटिंग बोलकर भी काम करता है. ओमेटिंग में भी ये इंजेक्शन दिया जाता है फ्रेंड्स, जिसका नाम है प्रोमिथाजिन और इसका ब्रांड नेम है इंजेक्शन फिनार्गन. ये इंजेक्शन बहुत ही बढ़िया इंजेक्शन है फ्रेंड्स. एज ऑफ कोर्स ये मेरा फेवरेट इंजेक्शन है, क्योंकि ये एंटी एलर्जिक भी है. दूसरा, ये सेडेशन लाता है, इससे गूंगी आती है, नींद आती है, रिलैक्स, पेशेंट रिलैक्स फील कर सकता है. तीसरा, ओमेटिंग को भी ये स्टॉप करता है. तो ऐसे ट्रिपल एक्शन इस इंजेक्शन में है. और कभी कभी तो ये इंजेक्शन जो है सेरेनेस नाम का जो इंजेक्शन मैं बताने वाला हूँ फ्रेंड्स, उस इंजेक्शन को जो एलर्जी आती है उसको भी ये न्यूट्रलाइज करता है, क्योंकि एज ऑफ कोर्स दिस इज एंटी एलर्जिक. अब इसका मैंने बताया 2 ml का वाइल है, तो इसके ईच ml में जो है 25 mg तक प्रोमिथाजिन कंटेंट है फ्रेंड्स. तो मैं आपको अब ये बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, कि इसका रूट क्या है. इसको इंट्रावेनस भी दिया जाता है और इसको जो है इंट्रामस्कुलर भी दिया जाता है. इसका ज़्यादा प्रेफरेबल और अच्छा जो यूज़ है, ऐसा बताया गया है कि इंट्रामस्कुलर दे, बट ये IV भी दिया जा सकता है. बहुत ही अच्छा यूज़ है. साइड इफ़ेक्ट्स, या बच्चों में इसका ज़्यादा यूज़ ना करें. पेशेंट जो है इसको लेने के बाद जो है अच्छा फील करता है, रिलैक्स फील करता है, पर दूसरे दिन जो है वो थोड़ा सा सेडेटेड महसूस करता है. और दूसरा जो है, बच्चों में ना दिया जाए. इसका रीज़न क्या है, चिल्ड्रन में फिनार्गन इंजेक्शन ना दे, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि इसको लेने के बाद जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेशन जो है थोड़ा शैलो होती है, थोड़ा कम होती है फ्रेंड्स. तो ये हुआ इंजेक्शन फिनार्गन की इंफॉर्मेशन दोस्तों. अभी मैं आपको इंजेक्शन सेरेनेस की जानकारी बताऊंगा. सेरेनेस ये इंजेक्शन है फ्रेंड्स, ये 1 mg का, 1 ml का एम्पुल होता है फ्रेंड्स, और इसके ईच ml में 5 mg इतना कंटेंट होता है फ्रेंड्स. और ये इसका रोल जो है, ये एंटी साइकोटिक ड्रग है. ये जो है मानसिक रुग्ण में, मेंटल पेशेंट्स में इसका बहुत अच्छा रोल होता है, रोल है फ्रेंड्स. तो ऐसे पेशेंट जो सिजोफ्रेनिया के पेशेंट हैं, जो मानसिक रोगी हैं, जो डायपोलर हैं, जिनको दो चीज़ें दिखते हैं, जो हेलोसिनेशंस में रहते हैं, जिनको कोई व्यक्ति अगर कोई चीज़ नहीं भी है तो वो भी दिखती है, कोई चीज़ एक चीज़ दो बार दिखती है, डबल दिखता है, हेलोसिनेशंस, अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम, कोई अगर दारू पीने वाला व्यक्ति है और वो बहुत राउडी है, वो कंट्रोल में नहीं आ रहा, उसको दिया जाता है. एक्सीडेंटल पेशेंट्स में और बहुत सारे पेशेंट्स में जो है ये सेरेनेस इंजेक्शन का यूज़ होता है. इसके मैं एक तो साइड इफ़ेक्ट बताता हूँ. ये QT प्रोलॉन्गेशन, ECG में जो QT जो इंटरवल है उसको प्रोलॉन्ग करता है, उसको बढ़ाता है. फिर ये न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम को ये पैदा करता है, और
टाराडायोडिस्काइनेसिया, टाराडायोडिस्काइनेसिया नाम का एक कंडीशन इसके साइड इफेक्ट है जिसमें कि मोमेंट डिसऑर्डर आते हैं, जैसा कि आपकी टंग, जबान और आपकी गर्दन जो है ये हल नहीं पाती, मोमेंट डिसऑर्डर उसे कहते हैं, और ये डिसऑर्डर जो है परमानेंट होता है। इसमें और एक साइड इफेक्ट इसका है एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम, कभी कभी जो है पेशेंट ऐसा मुँह ऊपर और मुंडे ऐसा, गर्दन ऐसा और मुँह ऐसा कर करके इसमें उसको रिएक्शन वैसा आता है, उस कंडीशन में हम उसको बेनाड्रिल सिरप वहाँ पे देते हैं। अब मैं आपको बताऊँगा कि ये जो दो इंजेक्शन है सेरेनेस और फिनार्गन, इनको कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स। कॉम्बिनेशन में क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि सेरेनेस का जो है रिएक्शन भी नहीं आएगा और प्रोमिथाजिन का, फिनार्गन का वहाँ पे रोल भी अच्छा आएगा। तो ये दोनों इंजेक्शन कॉम्बिनेशन में अगर देंगे तो कितना भी राउडी, कितना भी अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम का पेशेंट, कितना भी नेफ्रोटिक, कितना भी साइकोटिक पेशेंट, कितना भी मानसिक रोगी हो, वो जो है सेटल हो जाता है। आपको याद होगा फ्रेंड, मैंने एक इप्टैन इंजेक्शन का वीडियो बनाया था, उसमें मैं बताया था कि मैं सेरेनेस और फिनार्गन ये दो इंजेक्शन का एक वीडियो बनाऊंगा। तो यही वो वीडियो है फ्रेंड्स, और ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये दोनों कॉम्बिनेशन देने के बाद जो है रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है और साइड इफ़ेक्ट ज़ीरो है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करो, शेयर करो, और अभी तक हमारे चैनल पे नए हो या सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू, थैंक यू।